बात पर इतनी आनंदित हो रही हो प्रीता? देखिए ना स्वामी, अंजने की बाल क्रीड़ाएं दिन प्रतिदिन मनमोहक और लुभावनी होती जा रही है और बल पराक्रम में तो वह आपके समान प्रतीत होता है। क्यों ना अंजने का नाम शिवांशी उचित रहे? अच्छा आप ही बताइए कृपानिधि, आपको कौन सा नाम पसंद है? बहन लक्ष्मी द्वारा चुना गया हरीश्वर या बहन सरस्वती द्वारा दिया गया वेदांश या फिर शिवांश? हे हरी, ये कैसी विकट समस्या है, कैसा संकट है। ये तीनों देवियों के चुने श्रेष्ठ नामों में से किसे सर्वश्रेष्ठ कहूँ? पार्वती के शिवांश नाम चुनकर मैं सरस्वती को रुष्ट कैसे करूँ? गहरी दुविधा का सामना मैं भी कर रहा हूँ भोलेनाथ। सरस्वती के चुने वेदांश को श्रेष्ठ नाम बताकर बहन लक्ष्मी को पीड़ा तो नहीं दे सकता। नाम शिवांश हो, वेदांश हो या लक्ष्मी का बताया हरीश्वर, नाम तीनों श्रेष्ठ है, पर इनमें से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताकर मैं किसे रुष्ट करूं? बहन पार्वती तो निश्चित ही मुझ भ्राता से रुष्ट हो जाएंगी। नाथ, आपने अब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। बताइए ना, अंजने के लिए शिवांश नाम ही सर्वोत्तम रहेगा ना? देवी, इस सृष्टि के पालनहार तो विष्णु है। मेरे विचार से वायु पुत्र के नामकरण का अधिकार उन्हें ही मिलना चाहिए। आप स्वयं इस विषय में अपने भ्राता विष्णु से विचार विमर्श करें। उचित है स्वामी। हनुमान की इन बाल लीलाओं का प्रथम उद्देश्य उनके बल और पराक्रम को प्रमाणित करने के साथ साथ तीनों लोकों को यह संदेश देना भी था कि अब निश्चित ही दानवों के विनाश और सज्जनों के उत्थान का समय निकट आ चुका है।
देव लोकों में तो सभी इस बात से परिचित थे, किंतु पृथ्वी वासियों तक संकट मोचन और उनके स्वामी के अवतार का संदेश पहुंचना अभी बाकी था। बोल हरि, बोल हरि, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। अनंत नारायण विष्णु बोल, जन्म गवाता क्यों अनमोल, नाम कपिले अमृत घोल। पिताश्री, 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 आपको पता है आज हमने लुका छुपी खेला, हमें बहुत आनंद आया। अरे वाह, हमारे लल्ला ने लुका छुपी खेली। प्रणाम महाराज। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऋषि विश्वंभर और उनके शिष्यों की टोली श्री नारायण की मूर्ति पालकी के लिए बद्रिकाश्रम जा रहे हैं। उनका संदेश है कि आप अपने परिवार सहित उनके दर्शन करें और उनका आशीर्वाद अवश्य ले महाराज। सुमेरु की सीमा पर रहने वाले ऋषि विशंभर पिछले 50 वर्षों से मौन व्रत धारण किए हुए थे। व्रत के कारण वो अपने इष्ट नारायण की मूर्ति के सिवाय ना तो किसी से बात करते और ना ही किसी पर दृष्टि डालते। उन्हें नारायण के नाम के सिवाय और कुछ नहीं सुहाता था। भगवान को प्रणाम करो। राम नहीं बेटा, भगवान नारायण। नहीं पिताश्री, ये तो राम ही है। पुत्र, राम नहीं भगवान नारायण। नहीं माता, ये तो राम ही है।
सत्य वचन भगवान, सत्य वचन। युवराज जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है महाराज केसरी। नारायण भगवान ही श्री राम है और श्री राम ही नारायण भगवान है। सुंदर आपने अपना 50 वर्षों का मौन व्रत तोड़ दिया। जीवन सार्थक हो गया समझ लो और मेरे मौन व्रत का उद्देश्य भी पूर्ण हो गया। जीवन की सार्थकता और मौन व्रत का उद्देश्य कैसे पूरा हुआ मुनिवर? हमारे पुत्र के द्वारा नारायण भगवान को राम नाम बोलने से। बात विगत 50 वर्षों की है, जब मैं ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके दानवों के विनाश का उपाय जानने की इच्छा प्रकट की, तब ब्रह्मा जी ने बताया, जब कोई अबोध बालक के मुख से आप श्री राम का नाम सुनेंगे, तब समझ लेना दुर्जनों के विनाश और सज्जनों के रक्षा के हेतु भगवान नारायण और संकट मोचन का अवतार धरती पर होगा। तब से मैंने अपने मन में ठान लिया था, जब तक भगवान नारायण का जन्म धरती पर नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने मौन व्रत में ही रहूंगा। हे शांतिदाता राम भक्त, आपने हमें भगवान श्री नारायण और उनके परम भक्त संकट मोचन के अवतार की सूचना देकर के कृतार्थ कर दिया। इसके लिए आपको कोटि कोटि वंदन। Ram 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 Ram
पुत्र हनुमान ने तो जन्म लेते ही राम नाम को प्रसिद्ध करना आरंभ कर दिया। पवन पुत्र की इन्हीं लीलाओं के चलते हमारा कार्य और कठिन होता जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नाम अंजना के लाल के लिए सबसे अच्छा रहेगा। मेरे विचार में आपको जगत रचयिता ब्रह्मदेव की सहमति लेनी चाहिए। हर रचनाकार अपनी रचना से पूर्व ही संबोधन के लिए कोई ना कोई नाम अवश्य चुनकर रखता है। हे विधाता, पवन पुत्र के नाम के विषय में अब आप ही कोई निर्णय कीजिए। आप विद्या और ज्ञान की माता हैं देवी, आप समस्त लोकों में शारदा, वेद माता और जाने कितने ही नामों से विख्यात हैं। पवन पुत्र के नाम के आपसे सुंदर निर्णय भला किसका हो सकता है? अर्थात अब ये निर्णय हम देवियों को ही करना होगा। कल प्रातः ही वायु पुत्र का नामकरण है और हमें अभी तक एक ऐसा सुंदर नाम नहीं मिला जिसमें बल, पराक्रम और बुद्धि का रूप झलके और जिस पर हम सबकी सहमति हो। और अब तो नामकरण की तैयारी भी आरंभ हो चुकी है। ये देखो मेरे वस्त्र, कैसी लग रही है मेरी धोती? विशेष अंजने के नामकरण के लिए है। अति सुंदर, बहुत जच रही है आप पर। हे शिव शंभु, हे शिव शंभु। क्या हो गया प्रिय, ये अचानक पंचम स्वर में क्यों बोलने लगी? स्वामी, कल आप ये लाल रंग की धोती नहीं पहन सकते। क्यों प्रिय, क्या पुरुष लाल रंग की धोती नहीं पहनते क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु कल अपने नामकरण में हमारे लल्ला केसरी नंदन को भी लाल रंग की धोती पहननी है। तो ठीक ही है ना, पिता और पुत्र दोनों एक ही रंग में सुहाने लगेंगे। आप लाल रंग पहन सकते हैं किंतु कल नहीं। कल तो हमारे लल्ला का विशेष उत्सव है, इसीलिए केवल और केवल केसरी नंदन ही विशेष लगने चाहिए। और यदि कोई अतिथि लाल रंग की धोती पहनकर आ गया तो? आप लाल रंग की धोती नहीं पहन रहे हैं बस। और हाँ, आपने अपने विवाह में जो धोती पहनी थी वो आप पर बहुत जचती है, आप चाहे तो। मैं लाल रंग की धोती ही पहनूंगा बस। आप लाल धोती नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे। मैं केवल लाल रंग की धोती ही पहनूंगा, लाल रंग की। केसरी नंदन को पहननी है ना। तो मैं नहीं पहन सकता क्या? नहीं, कल कल उनका विशेष उत्सव है। माँ
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.